यिनसिजिन के साथ कोई आए हैं। ओह, उस दिन मैंने तुमसे जो भी कुछ कहा उसे दिल पर मत लेना। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब इसीलिए मैं यहाँ जीजी से माफी मांगने आ गई हूँ। आपने इनसे ऐसा क्या कहा था? मेरे लिए काम करोगी? एक ग्लास पानी ले आओ मेरे लिए। प्यार का इजहार किया था। मैं भी अपनी अदाओं से वार करूंगी उस पर। मैं डरने वाली नहीं हूँ। यिनसिजिन, आप आ गए। मैं आपका कोट उतार देती हूँ। ये मैं खुद ही कर लूंगा। ये तो मुझे करना चाहिए ना। जी बॉस, कहिए क्या हुक्म है। मुझे घर पर डार्लिंग कहा करो। कितनी बार समझाऊं तुम्हें? आप क्या चाहते हैं डार्लिंग? मेरे शावर लेने का इंतजाम करो। मिस सॉन्ग बिजी हैं, देख नहीं रही क्या? क्या मैं करूं? यहाँ एक कॉमिक शो हो रहा है आज शाम। ओह अच्छा, ऐसा भी कौन सा शो है कि तुम यहाँ आ गई? वो दरअसल, तुम खामोश हो तो बेहतर होगा। और तुम मेरी बात सुनो, अगर आइंदा मेरी बीवी से मिलना हो तो मिलने से पहले तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे। I'm sorry, लेकिन मुझे लगता है कि मिस को एक इंडिपेंडेंट औरत है, और वैसे भी वो जो चाहे वो करें। सही कहा ना? सीजन, मुझे सच में तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। अच्छा ठीक है, हाँ कल मिलती हूँ मैं तुमसे फिर, ठीक है? किससे बात कर रही थी? मोजीजन से। क्यों? तुम इतनी जोर से बोल रही थी कि बाहर आवाज आ रही थी। इतना हंस हंस के बात क्यों कर रही थी? मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि इस पूरी दुनिया में सिवाय तुम्हारे हर आदमी के दिल में मदद करने की इच्छा होती है। मेरा ख्याल नहीं कि कोई मर्द बगैर किसी मतलब के इतना मेहरबान हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जलन हो रही है। मेरी बात सुनो, मुझे किसी से जलने की जरूरत नहीं है। बुक पढ़ना शुरू करो। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ पसंद करते हैं और सुनना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए तो आपको जरूर। रुक जाओ यहीं। अभी पढ़ना शुरू किया है और अभी सटकना शुरू कर दिया। तुम नर्वस हो रही हो क्या? हाँ, अरे नहीं, ऐसी किताब मैं पहली बार पढ़ रही हूँ इसीलिए। एक बात बताना गु, तुम्हारी नजर में मैं कैसा आदमी हूँ? ड्यूरियन की तरह। तुम मुझे बदबूदार कह रही हो? हाँ शायद, जब भी तुम्हें देखती हूँ दूर भागने का दिल करता है। मगर उससे तुमने मुझे क्यों मिलाया है? तुम खुद ही सोचो, सोचो ना। ड्यूरियन प्राइस और स्टेटस के हिसाब से देखा जाए तो फलों का राजा होता है। कीमती भी तुम्हारी तरह, साथ ही सख्त भी और कांटेदार भी। बात करने में तुम्हारे अंदाज में भी उसी की तरह सख्ती है। वाकई? अब खुद देखो ना, जो कोई भी उसको एक बार पसंद कर ले तो उसकी आदत पड़ जाती है और फिर उसकी स्मेल भी अच्छी लगने लगती है। मैंने देखा है कई सारे लोगों को जो इस तरह के पौधे अपने पास रखते हैं। यानी तुम्हें डूरियन बहुत पसंद है? हाँ ना। फनी।
अरे नहीं नहीं, ड्यूरियन बहुत महंगा होता है, मुझे तो एप्पल और बनानास पसंद है। उफ, क्या होगा तुम्हारा? अरे पसंद है पर वो बहुत महंगा होता है। अभी किताब आगे पढ़ लूं? पढ़ने दो मुझे। अगर आप खुद को आम लोगों में से निकाल कर अमीरों की लिस्ट में डालना चाहते हैं तो आपको ये सब करना होगा। जरा सुना, हाँ? वो कहाँ गई? वो तो आज सुबह उठते ही मॉर्निंग वॉक पर चली गई है। मॉर्निंग वॉक के लिए? जी, आधी रात को भी जागकर ही थी और रात को नीचे भी आई थी, कह रही थी भूख लगी है मुझे। अच्छा, मुझे कुछ डोरियन चाहिए, जितना जल्दी हो मंगवा लीजिए। हमारे पास सेब और नाशपति के अलावा मुझे सिर्फ वही है। चाहिए। ठीक है। मोजीजिन, हेलो। आ जाओ। ये सब किस लिए? सब ठीक तो है? हाँ, इसकी एक वजह है, मतलब येंचेजिन हमें मिलते हुए ना देख सके, इसीलिए मैं भेष बदल कर आई हूँ। क्या कहा? येंचेजिन? अच्छा, तुम्हें पकड़े जाने का इतना डर क्यों है? रहने दो, तुम ये नहीं समझोगे, वो बहुत खड़ूस है। उसने देख लिया तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है कहकर सैलरी काट लेगा मेरी। कॉन्ट्रैक्ट? सैलरी? क्या ये सब कहा मैंने अभी? हाँ, दरअसल हम दोनों ऐसे ही रोमांस करते हैं। अच्छा। वो बिजनेस प्लान जो तुमने बनाया था? हाँ, मैं लेकर आता हूँ। हेलो सर, किसी किसी को ढूंढ रहे हैं आप? तुमने यहाँ किसी लड़की को वॉक करते हुए देखा है? नहीं तो? वो घर किसका है? अच्छा, वो घर मिस्टर मू सर का है। ठीक है, बाय बाय। गुड डे सर। शुक्रिया। चलो। दादी माँ, सिचैन, अभी मैंने बाहर एक पागल सी औरत को देखा। क्या कहा? पागल औरत? कैसे देखती है वो? दादी, आप बाहर जाएं तो सावधान रहिएगा। तुम भी थोड़ा सावधान रहो तो अच्छा होगा। एक और। दादी, फिर से। फिर से ये। सीजी, अब बस भी करो, पिछले 10 मिनट से ऐसे ही चक्कर काट रही है। जोया। हाँ? तुम्हें क्या लगता है उसे पता चल गया होगा कि वो मैं थी? क्या वो अब मुझसे बदला लेगा उसका? क्या इस नन्ही सी जान पर जुल्म करेगा? तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि वो जेलस फील करेगा, ये सोचो जरा। जेलेसी? शर्त लगा लो, ये पॉसिबल ही नहीं है। पहले उसने ऐसे देखा मुझे। उसने घूर के देखा? उसके बाद उसने एक खतरनाक सी मुस्कुराहट दी, मैं बताती हूँ कैसे। और फिर उसकी आंखों में गुस्सा और मजाक उड़ाने वाला एहसास था। उसकी आंखें कह रही थी कि संभल कर चलना तुम, और फिर चला गया और कुछ नहीं पूछा। मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ करने वाला है, जैसे कि कोर्ट में केस। हो सकता है तभी सब पूछे। क्या पता उसने लॉयर ढूंढकर अब तक मेरी सारी गलतियों की लिस्ट बना ली हो। जोया, मुझे फौरन जाना होगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। आज जब तुम घर जाओगी उससे अच्छे से बात करना, वो
वो कहते हैं ना, जब आपसे कोई मुस्कुरा के बात कर रहा हो तो उसके मुंह पर थप्पड़ नहीं मारते, तो पहले उसको मनाओ फिर उसको अच्छे से पटा लो। तुमसे इतनी बड़ी गलती थोड़ी ना हुई है कि सजा मिले, और वो तुम पे केस करने से रहा। अगर वो ये सब करता है, तुमसे बदतमीजी करता है, तो इस तरह की हरकतें एक प्रेसिडेंट को शोभा नहीं देती। मेरी खूबसूरती का उस पर इतनी आसानी से असर कहाँ होता है? अरे होगा, मुझे क्या करना है? लियंताई ने कोटेशन भेजा है जो हमारे सोच से काफी ज्यादा है। उनके इरादे भी कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी डिले कर दी, और मैंने सुना है वनाय ग्रुप भी उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, और हो सकता है इन सब झमेले के पीछे यही हो। और इसके अलावा पता चला है कि ये ग्रुप मोजीज़ीन की कंपनी है। समझ गया, चाहे कुछ भी हो जाए वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा है, लेकिन इस कोटेशन के साथ हमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। क्या सोच रहे हो? क्या आपकी मोजीज़ीन से कोई दुश्मनी है? ऐसा लग रहा है जैसे आप उसके खिलाफ हो। नहीं, मैं देख सकता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? आपके चेहरे पे लिखा हुआ है। हर इंसान जब ऑपोजिट जेंडर के करीब जाता है तो उसका दिमाग उसे कुछ इशारे करता है, ये अंदर से होता है। ये शायद मेरी जल्दबाजी है। उस बेवकूफ लड़की के लिए मैं बिना सोचे समझे ये क्या करने जा रहा था। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। फेयंग, लियांताई को इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि उन्होंने हमारा वक्त बर्बाद किया है, इसलिए हम ऑफर से 3% कटौती करेंगे हर्जाने के तौर पे। अगर वो तैयार होते हैं तो ठीक है, वरना आइंदा हम उनके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। ये बात उन्हें साफ साफ बता दो। मैं अपनी जिंदगी में कभी मायूस नहीं होना चाहता। बिना मोहब्बत के मैं उसे खोने का दर्द महसूस नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी वो लड़की बस 3 ही महीने के लिए यहां पर है ना। मैं भी अपनी अदाओं से वार करूंगी उस पर। मैं डरने वाली नहीं हूँ। जरा हट के नहीं बैठ सकती प्लीज? यिनशिचेन, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब से नहीं करूंगी, सुधरने की कोशिश करूंगी। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है यिनशिचेन, सच बताऊं तो आपके आने से पहले आज मैंने बहुत सारे ड्यूरियंस खा लिए। तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा उससे। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद मैं वॉक भी कर लूंगी। पागल, वॉक करते हुए किसी के घर मत चली जाना। वॉक कर लूंगी। मैं तो मारी गई, जरूर इसने मुझे देख लिया था। ये चचन, बैठिए ना, आप थक गए होंगे ना, मैं मसाज कर देती हूँ। कहीं
कहीं इसे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं इसे... वैसे भी ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा हम अलग हो जाएंगे। ये चिचिन, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए। वादा करती हूँ आज के बाद वो गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। अच्छी बीवी बनूंगी आपकी, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। मुझ पर कोई जुर्माना मत लगाइएगा, मैं बहुत अच्छी मसाज करती हूँ। बात सुनो मेरी, तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्यूटी है, और वो ड्यूटी ये है कि तुम मुझसे दूर रहोगी, और यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, दिमाग से निकाल फेंको उसे। जोया, कितना बेकार आइडिया दिया तुमने मुझे। तो इससे काम नहीं बना? हाँ, तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? क्या क्या था तुमने? मैंने तो बस थोड़ी अदाएं दिखाई, उससे नरमी से बात की, उसका कोट उतारा और फिर मसाज भी किया था मैंने। बिल्कुल वैसा ही किया था जैसा जैसा तुमने कहा मुझसे। माय डार्लिंग, तुमने अदाएं नहीं दिखाई बल्कि तुमसे बहका रही थी। ये सब तुम्हारे बकवास आइडिया की वजह से हुआ है। कल रात किस तरह की हरकतें कर रही थी ये सोच कर भी गुस्सा आ रहा है मुझे। तुम कितने बेवकूफ हो। खैर, वो थोड़ा अलग है, इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है। कैसी वजह? यही वजह हो सकती है कि वो स्ट्रेट नहीं है, वरना कैसे नहीं पसंद कर सकता है तुम जैसी लड़की को। मुझे पसंद नहीं करता, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अच्छा यार, तुम मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे हो। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, प्लीज हेल्प करो मेरी। जब से रोहाना ने तुम्हारे साथ काम करना शुरू किया है, तुम्हें अक्सर मेरी मदद की जरूरत पड़ती रहती है। मैं तो बस क्या तुम्हें कभी किसी लड़की ने छोड़ा है? सच सच बताना मुझे। खुल के बताओ। वो बात यह है कि रोहाना का बॉयफ्रेंड ऑफिस आया था और मेरी भी उससे मुलाकात हुई थी, और वो भी रोहाना को अपनी शादी में इनवाइट करने के लिए, मगर मुझे ये बात नॉर्मल नहीं लगी और मैं थोड़ा पॉइंट पे आओ। मोहब्बत हो गई है मुझे। क्या उसने कहा कि डॉग को वॉक पे ले जाना है या स्पा है, कुछ कहा था ऐसा? नहीं यार, ऐसे तो वो कह रही थी लेकिन ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फिर तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। वाकई में मुझ में? और वो तो कहती है कि उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और ऐसे बिहेव करती है जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही ना हो। यानी तुम्हें तो गायब होने के लिए अपने इस छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर भी नहीं देना होगा। मैं इस तरह से गायब नहीं होना चाहता, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। रहने दो, मैं खुद सॉल्व करूंगा अपनी प्रॉब्लम। हाँ रुको जरा। हाँ, मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए। किसी लड़की को खुद से मोहब्बत करने से कैसे रोका जाए? कोई आइडिया है तो बताओ। ये कौन सा मुश्किल काम है, कोई दूसरी लड़की से चक्कर चला लो, खुद भाग जाएगी। अच्छा है। जाने का समय हो चुका है, आज मिस रैन के साथ आपका इंटरव्यू है, याद है ना? चलो। खुदा करे तुम्हारा ख्वाब सच हो जाए और तुम सीधे रास्ते पे आ जाओ, क्योंकि जीजी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अक्सर आपकी तुलना वेन ग्रुप की सीईओ मोजिशिन के साथ किया जाता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? मोजिशिन जी, मैंने तो ये भी सुना है कि उन्होंने एक शॉपिंग वेबसाइट लॉन्च किए हैं और एक साल के अंदर फाइनेंसर्स भी मिल गए। कुछ मीडिया वालों का कहना है कि वो बिजनेस टैलेंट है। मैं मानता हूँ कि वो एक काबिल इंसान है। एक इमर्जिंग कंपनी के तौर पर वेनिये ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर उनकी ग्रोथ से हटकर देखा जाए तो बहुत सारे झोल हम देख सकते हैं, लेकिन वाई मॉल का नजरिया उनसे थोड़ा सा अलग है। 3 साल पहले जब हमने उसकी बुनियाद रखी, तब से लेके अब तक हमारा प्रॉफिट तकरीबन 20 गुना ज्यादा हुआ है। आपने कहा मोजिशन बिजनेस टैलेंट है, तो फिर मुझे तो बिजनेस जीनियस होना चाहिए। राइट। आप ये टाइटल डिजर्व भी करते हैं। आपका कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। थैंक्स। ओके। हमारे स्टूडियो ने अभी भी काम करना शुरू किया है, इसीलिए थोड़ा लापरवाह होना पड़ता है, उम्मीद है कि तुम समझोगे। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अरे हाँ, मैं दादी जी के लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी, एक गिफ्ट जीजी के लिए भी है, मेरी तरफ से ही उन्हें दे देना। तुमने अगर बिजनेस का फैसला कर ही लिया है तो उस पे कायम रहना,
अगर कोई मदद चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना। हाँ क्यों नहीं, मैं तो तुमसे बहुत सारे फेवर्स मांगने वाली हूँ। जीजी और तुम्हारे बीच सब कुछ कैसा चल रहा है? ठीक है। मैं एक दिन उससे मिली थी, वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है, हमें बात करने में मुश्किल हो रही थी। वो ऐसी ही है, उसके दिल में जो भी होता है वो कह देती है, ज्यादा सोचती नहीं है, ऐसी ही है। काफी कुछ जानते हो तुम। जितनी देर मैं उसके साथ होता हूँ उतना ही मुझे एहसास होता है कि मैंने जितना उसे समझा है वो बस एक छोटा सा हिस्सा है। वो एक छुपे हुए खजाने की तरह है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि वो मुझे हैरान नहीं करती, और ये बात सच है। शिचन, उसे पसंद करते हो क्या? खैर, दादी माँ तुम्हें मिस कर रही थी, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मेरे साथ घर चलो, अच्छा लगेगा उन्हें। क्यों नहीं, अपना सारा ध्यान डिटेल्स पे दो, और ये भी देखो। हाँ ठीक है, इसे ठीक करके मेरे पास। एक्सक्यूज मी कीकी, तुम मेरे साथ आओ। अगर तुम्हें काम करने की आदत नहीं है तो बता सकती हो तुम, मैं खुद कर लूंगा। मैं चीची नहीं हूँ। उसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन है तो तुम मेरे ऑफिस में आ सकती हो, मेरे से बात कर सकती हो, पूछ सकती हो। जी ठीक है, समझ गई। सब इसी वक्त मेरे सामने गैदर हो जाएं, बात करनी है मुझे, आ जाइए। चले आप भी आइए, सब आ जाइए यहाँ पे, आइए सब सामने आ जाइए, शाबाश। मैं आपको यहाँ पे इसीलिए बुलाया हूँ ताकि मैं ये जो बैलेंस शीट मुझे दी गई है मैं इसे आपके सामने डिस्कस कर सकूँ। जो रिपोर्ट इसने बनाई है वो काफ़ी शानदार है, चाहे ये यहाँ पे नहीं क्यों ना हो, लेकिन आप सबको इसे सीखना चाहिए कि कैसे काम को आसान बनाया जाए। तुम्हें इसका नाम पता है? गलत नाम ले लिया मैंने, मुझे याद है नाम। सर, मैं ज़ियोसीन हूँ और ये रिपोर्ट शीट मैंने सिर्फ कॉपी की है। शायद जज्बात में मैं कुछ गलत कह गया, इसकी तो बाइंडिंग तक ठीक नहीं है और डिटेल्स तो बिल्कुल भी नहीं, और डिटेल्स तो बहुत अहम होती है ना। हाँ, जल्दी बोलो, सबको बोलो। बहुत अच्छा किया तुमने, कल बिजनेस के बारे में बात करेंगे, मैं चलती हूँ। मैं बिल्कुल ध्यान से काम करूंगी, चलती हूँ सर। एक बार फिर से चेक कर लेना इसे। इनसे जिनके साथ कोई आए हैं? ओ इंसिजिन, मिस रैनबी। शिचिन बोल रहा था कि दादी जी अकेले बोर हो रही होंगी, इसलिए मैं आके मिल लूं। दादी अपनी दोस्तों के साथ गई हुई है, आपको नहीं पता? भूल गया था। कोई बात नहीं, वो मैं पेरिस से तुम्हारे लिए स्कर्फ लेकर आई थी, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। मेरे लिए लाई है? अपॉलॉजी के तौर पर। माफी शिचिन, उस दिन मैंने तुमसे जो भी कुछ कहा उसे दिल पर मत लेना, जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, अब इसीलिए मैं यहाँ जीजी से माफी मांगने आ गई हूँ। आपने इनसे ऐसा क्या कहा था? मेरे लिए काम करोगी? एक ग्लास पानी ले आओ मेरे लिए। प्यार का इजहार किया था। ये बताओ कि मास्क कहाँ रखे? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं रखे।
मुझे याद है कि तुम्हें पॉलन एलर्जी हो जाती है, इसलिए मैं हमेशा अपने पास मास्क रखती हूँ। जीजी तुम बुरा मत मानना, पहले जब तुम शिचिन के पास नहीं थी तब से मुझे आदत है इसका ख्याल रखना, लेकिन अब तो तुम इसके साथ हो तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रिया। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे जाना है। ठीक है। क्या ये गिफ्ट भी आपको जमा कराना होगा? बात सुनो मेरी, एक लड़की तुम्हारे पति से मोहब्बत का इजहार करती है और तुम चुपचाप सुनते रही उसे। तो क्या कहती? तुमने अपनी खामोशी में अपनी दिल की बात कह दी। मैंने? मैं समझाती हूँ, मैंने जब ओ कहा तब मेरा मतलब वो नहीं था। इस शब्द के और भी मतलब होते हैं, जैसे कि मेरा तुम पर भरोसा और हमारा साथ ही उसकी बेइज्जती है। भले ही उसने प्यार का इजहार किया, लेकिन पत्नी तो अब तुम्हारी मैं हूँ। तुम्हारा गुमान काबिले तारीफ है। तुम्हें कुछ तो जेलस होना चाहिए था ना? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये क्या है? देखते जाओ। मैं जेलस हो रही हूँ, शायद इस मास्क को पहनने से पता चल जाएगा। छोटी बच्ची हो क्या? बॉस, लेकिन ये बताइए, क्या ये गिफ्ट मुझे आपको देना होगा? उसने सिर्फ एक ही स्कार्फ खरीदा, कम से कम दो तो खरीद लेती, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। एक मिनट, मुझे वो लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। इन सिचिन की नजरों में अच्छा बनने के लिए उसने ऐसा किया था कि तुम दोनों के बीच में दरार आ जाए। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना, उसके लाए हुए स्कार्फ को जमीन में फेंक देती और ये कहती कि मुझे स्कार्फ की कोई जरूरत नहीं। वो लिमिटेड एडिशन है। सच में? तो फिर मैं उसे वापस उठा लेती। देखो तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है, साफ करो उसे। वैसे तुम्हें उसे देखकर जरा भी जलसी नहीं हुई? हाँ हुई, थोड़ी सी। लेकिन कर भी क्या सकती हूँ मैं। रैन और यंसिचिन बचपन से एक दूसरे के साथ खेले हैं। अगर मैं उसकी जिंदगी में ना आई होती तो उसी से शादी करता। बेवकूफ कहीं की, कोई माने या ना माने, तुम्हारे यंसिचिन से शादी हुई है और तुम्हारी किस्मत में यही लिखा हुआ था, और जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। लेकिन ये गलत बात है कि तुम्हारी शादी कॉन्ट्रैक्ट शादी है और जल्दी खत्म हो जाएगी, और तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और आगे क्या करना है उस पे फोकस करना चाहिए। यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। बाय द वे, मुजीजिन बहुत अच्छा लड़का है, उसके बारे में सोचो। बस बिखर दो ये बातें, सच है ये। यंसिचिन क्या सच में मुझे चाहता है? ज्यादा मत सोचो। हेलो सर। क्या तुमने लास्ट क्वार्टर की शीट तैयार कर ली है? और बाकी काम वगैरह कैसा चल रहा है? कोई भी इश्यू होगी तो मुझे बता देना, मैं तुम लोगों की हेल्प के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। अरे मैं इन लोगों से कुछ ऐसी जरूरी बात कर रहा था, और मैं इतना बिजी हूँ कि आजकल लंच करने का भी टाइम नहीं मिलता। हाँ, ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, तुम इसे ध्यान से पढ़ लेना। ओ ठीक है। और वो लंच का काम पकड़ा के चली गई। तो मैं जो बोल रहा था, कैसी आवाज थी? यस लगता है सर पागल हो गए।
ये एक इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन की इंटरनल लाइब्रेरी है, हर कोई यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन इस इंस्टीट्यूट का बॉस मेरा दोस्त है, इसलिए जो तुम चाहो आराम से ढूंढ सकती हो। थैंक यू मोजीजन, तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। क्या रात के खाने पर बुला सकती हूँ तुम्हें? इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन एक प्रॉमिस करना पड़ेगा तुम्हें मुझे। मैं जो कहूँगा वो तुम करोगी। डरो मत, मैं उल्टा सीधा कुछ नहीं करूँगा। जो कहोगे करूँगी। ठीक है फिर। मोजीजन, यहाँ तो बहुत सारी किताबें हैं, तुम्हें कोई काम है तो चले जाओ, ये किताबें मैं खुद देख लूँगी। चिंता मत करो, आज मुझे कोई काम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और हम बुक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा तो मुझे ये बुक्स मिली हैं, शायद तुम्हारे काम आ जाए। ये काम की है, ये ठीक है, ये ले लेती हूँ। शुक्रिया मोजी जी। ये देखो आखिर में क्या लिखा है, तुम्हारा स्पेशल थैंक्स। मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये तुम्हारी अपनी मेहनत है। सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है। डन। जबरदस्त। ओ जीजी, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असल में बिजनेस जीनियस दरअसल कौन है। जरा सुनो, इधर आओ। जी बॉस, कहिए क्या हुक्म है। मुझे घर पर डार्लिंग कहा करो, कितनी बार समझाओ तुम्हें। आप क्या चाहते हैं डार्लिंग? कहाँ जा रही हो? जोया से मिलने। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है, दिखाना मुझे। आईपैड। प्रपोजल तैयार है? हाँ, ऑलमोस्ट। स्पेशल थैंक्स टू मोजीजन। ये बिजनेस प्लान बनाने में उसने मेरी मदद की थी, इसलिए शुक्रिया अदा किया मैंने। गलत किया क्या? नाइस प्रपोजल, इसे रख रहा हूँ मैं। है? अब क्या है, मेरे शावर लेने का इंतजाम करो। मिस सॉन्ग बिजी है, देख नहीं रही क्या? क्या मैं करूं? अच्छा। ठीक है, मैं शावर ले लूंगा, तुम जा सकती हो। डार्लिंग, मेरा आईपैड। तुम ऐसा नहीं कर सकते। येंचेचिन, आईपैड वापस करो। येंचेचिन। मेरा आईपैड। येंचेचिन। ये जानबूझ के किया ना? मैं नहला दूंगा तुम्हें। मैं हिलना मत, बिल्कुल भी नहीं। अरे हिलो मत। चलो चलती रहो आराम से।
नजर इस तरफ नहीं आनी चाहिए। तुम्हें देखना भी कौन चाहता है? मोजिज़न से कहकर एक और प्रपोजल तैयार करवा लेना, वो कर देगा तुम्हारे लिए। ऑब्वियसली इस मुश्किल समय से भी वही निकालेगा। रुको, इधर आओ। मैंने भी तुम्हारे लिए प्रपोजल तैयार किया है, चेक करो। तुमने कहा था मेरी मदद नहीं करोगे। इसमें तो तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग गया होगा। मैंने ये फ्री टाइम में तैयार किया है। तो क्या इसके लिए तुम मुझे थैंक्स नहीं कहना चाहते? आईपैड में क्लाउड बैकअप भी तो होता है। तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, शुक्रिया। तो तुम ये यूज नहीं करोगी? तुम्हारे लिए ये फ्री है वैसे। मेरी कोशिश होगी कि अपने स्टोर के लिए बिजनेस प्लान खुद तैयार करूं मैं, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या तुम स्पेशल थैंक्स लिखोगी मेरे लिए भी? एक तो तुमने बर्बाद कर दिया और दूसरा खुद बना कर दे दिया। तुमने जो नुकसान किया उसका कंपनसेशन दिया है, लेकिन दिल से थैंक यू बोलूंगी। एक तो तुम हेलो सीजी, एक बहुत बुरी खबर है। मोजिज़न को पता चल गया है तुम्हारी शादी नकली है। क्या करूं? क्या करूं मैं? मैंने तो सब बता दिया उसे। सीजी मेरी जान ले लेगी। क्या जरूरत थी मुझे उसको बताने की? मैंने उसे क्यों बताया? क्या हुआ? क्या बात है जोया? मैंने क्यों किया? जोया सुबह सुबह इतनी परेशान क्यों हो? सीजी मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, बात तो बताओ मुझे। कल रात मोजिज़न और मैं। मोजिज़न सॉरी अचानक से तुम्हें बुलाने के। मिस्टर मो, आपने मुझे अचानक यहाँ पर क्यों बुलाया? एक काम है। तुम जीजी की फ्रेंड हो और मैं कुछ बातें उसे डायरेक्टली नहीं पूछ सकता। आखिर उसे ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से उसने इन सचिन से शादी कर ली? कोई खास वजह थी? भी अच्छा आदमी नहीं है। सीसी को डरा धमका के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिए और हमेशा वो आदमी उसके साथ कोई ना कोई चालाकियां करता ही रहता है। कॉन्ट्रैक्ट्स? कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स? असल में हाँ बोलो। हाँ ड्रिंक पीते हैं ना। Cheers. तुमने उसे सब बताया है या नहीं? शायद मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया होगा। इस शायद का क्या मतलब है? मैं नशे में थी ना। अब बहुत महंगा फोन है, टूट जाएगा, मत मारो। दिल चाह रहा है कि तुम्हारी जान ले लूं मैं, लेकिन उससे पहले एक कॉल करना है मुझे। हेलो, बोलिए। हेलो, मुझे मिस्टर मोजिज़न से बात करनी है। मिस को माफ करना, अभी मीटिंग चल रही है, वो डब्ल्यू होटल में है, मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती अभी। क्या मैं उन्हें कह दूं कि बाद में आपको कॉल बैक कर ले? सॉरी, लेकिन मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या मैं वहाँ आकर लॉबी में उनका इंतजार कर सकती हूँ ताकि जब वो मीटिंग से बाहर आए तो मैं उनसे बात कर सकूँ? सच में बहुत इमरजेंसी है, प्लीज। ठीक है। मोजिज़न। हाय जीजी, तुम इतनी जल्दी आई हो, सब ठीक है ना? क्या कल रात जोया ने तुम्हारे साथ ड्रिंक की थी? हाँ हाँ की थी, लेकिन मिस लिन ने कल रात बहुत ज्यादा पी लिया। मैंने असिस्टेंट से कह के उनको घर ड्रॉप करवा दिया था, चिंता की कोई बात नहीं। और जब वो होश में नहीं थी तो क्या उसने तुमसे कुछ कहा था? हाँ, तुम्हारे कॉलेज लाइफ की मजेदार कहानियां सुना रही थी और तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में भी बताया। प्रॉब्लम्स? क्या किसी खास प्रॉब्लम के बारे में बताया उसने? तुम्हारी शादी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट? अब
शचिन, यहाँ कैसे? वैसे ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए, तुम क्या कर रही हो यहाँ? वो ऐसे ही। मोज़ेसन, मेरी वाइफ को आप कब से जानते हैं? मिस्टर यन, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपकी वाइफ और मैंने एक ही स्कूल से पास आउट किया था, और कुछ रीजंस की वजह से हमारी एक दूसरे से दोबारा मुलाकात हुई। शायद किस्मत में दोबारा ऐसे ही मिलना लिखा था। बिल्कुल, मिस्टर मोज़ेसन स्कूल में सीनियर थे मेरे, और हमारे कुछ शौक मिलते जुलते थे तो हमारी दोस्ती हो गई। हम आज कॉमिक शो देखने आए थे, यहाँ एक कॉमिक शो हो रहा है आज शाम। ओह अच्छा, ऐसा भी कौन सा शो है कि तुम यहाँ आ गई? वो दरअसल, तुम खामोश हो तो बेहतर होगा, और तुम मेरी बात सुनो। अगर आइंदा मेरी बीवी से मिलना हो तो मिलने से पहले तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे। I'm sorry, लेकिन मुझे लगता है कि मिस को एक इंडिपेंडेंट औरत है, और वैसे भी वो जो चाहे वो करें, सही कहा ना?